हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आप सब यकीन में ठीक होंगे। मैं राहुल कुशवाहा अपनी नई वीडियो में आपके साथ आ चुका हूं और आज हम जा रहे हैं मैहर धाम, मैहर देवी माता के, जो कि ये यहां पे क्या कहते हैं एमपी में है। और अब हम मैहर देवी चलेंगे, वहां पे दर्शन करेंगे, आपको दर्शन करवाएंगे और आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये है मैहर माँ शारदा देवी का द्वार और आइए आगे चलते हैं। अब हम चढ़ाई की ओर बढ़ते हैं और मैं काफ़ी चढ़ाई चढ़ाया हूँ और क्या है कि मैं आपको सारी वीडियो दिखा नहीं सकता क्योंकि इसकी चढ़ाई काफ़ी लंबी है, करीब 500 एक हज़ार के ऊपर, 1006 की सन सात कितनी सीढ़ी हैं, इतनी सीढ़ियों पे हैं और हम उसी दर्शन के लिए जा रहे हैं। मैं आपको वीडियो काट काट के दिखा रहा हूँ क्योंकि वीडियो सारी आपको एक साथ नहीं दिखा सकता, काफ़ी बड़ी वीडियो हो जाएगी। आप तो 5 मिनट की पूरी वीडियो नहीं देखते, आप लोग तो सोचिए फिर 1 घंटे की कहाँ से देखेंगे। और देखिए 724, 725, 29, ये अब हम सीढ़ियों पर पहुँच रहे हैं धीरे धीरे। और मैं शाम के टाइम दर्शन करने आया हूँ, शाम के टाइम इसलिए थोड़ा सा मामला ठंडा सा है। 3 बजे से मैंने चढ़ाई शुरू करी थी यहाँ पे माता की नहा धो के, क्योंकि इससे पहले मैं सारा जंगल घूमा था। इस जंगल के आसपास ही क्या कहते हैं आला देव का जो है कि मंदिर था और आला तालाब था, सब जगह मैंने दर्शन करने के बाद तब माँ शारदा देवी की चढ़ाई मैंने शुरू की है और आधी से चढ़ाई हो गई है, आधी से बाकी है। और शाम के 4 बजने जा रहे हैं करीब करीब, दर्शन की ओर बढ़ रहे हैं। यहाँ पे दर्शन का सबसे अच्छा बात यह है कि आराम से बिल्कुल प्यार से दर्शन कीजिए, कोई सिरदर्दी नहीं, कोई आफत नहीं, एकदम प्यार से रेस्ट से और ना ही इतना भीड़ भाड़। शाम में ज़्यादा अच्छा ये रहता है क्योंकि शारदा माता के मंदिर में ये भी मान्यता है कि क्या कहते हैं रात में ये यहाँ के पट बंद कर दिए जाते हैं क्योंकि आला देव जो है माता के दर्शन के लिए आते हैं और सुबह सबसे पहली आरती आला देव ही करते हैं यहाँ पे, तो इसीलिए सब उसी हिसाब से आते हैं। और हम भी अपना, हम तो देखो गाज़ियाबाद से हैं तो दूर से हैं इसलिए हम यहाँ पे आए हुए हैं। और शाम का हम पहुँचे भी यहाँ 12 बजे, फिर क्या कहते हैं नहाते धोते सब करते हुए हम 3 बजे से हमने चढ़ाई यहाँ शुरू करी। हालांकि उससे पहले भी हम एक दिन पहले ही आए थे जो कि हम आला देव और एक रात मैंने पूरी जंगल में काटी, काफ़ी अच्छा जंगल है यहाँ का, घना और सूखा जंगल है क्योंकि एमपी में पानी की कमी तो वैसे ही है। हाँ ये है कि जंगल काफ़ी हैं, पहाड़ियाँ हैं, पेड़ पौधे हैं, आप देख सकते हैं सब यहाँ पे जंगल ही जंगल है सारे में। ये देखिए पूरा दूर दूर तक और कुछ नहीं है सिर्फ जंगल के अलावा। मैं आपको रात का भी सीन दिखाऊंगा यहाँ पे, तो आइए मंदिर की तरफ बढ़ते हैं। अब मंदिर थोड़ा ही रह गया है अभी चोटी पे, बात यह सभी जितनी भी देवियाँ हैं कहीं कोई से भी देवी के मंदिर चले जाओ आप, सारी ही देवी बिल्कुल टॉप पर रहती हैं पहाड़ों पर ही, क्योंकि ठंडी हवा चलती है, वहाँ रहने में बड़ा आनंद आता है। और आप देख रहे हैं कि मैं अकेला ही दर्शन कर रहा हूँ फिलहाल, एक दो आदमी हैं, ज़्यादा नहीं है। बस हम अब पहुँचने वाले हैं माता देवी के मंदिर, हम टॉप पे पहुँच चुके हैं, कुछ दूरी और है, उसके बाद मैं आपको दर्शन करवाने के बाद फिर देखते हैं अगला कहाँ जाते हैं। देखिए मंदिर जाने का रास्ता आ चुका है, अब यहाँ से बस मंदिर कुछ ही दूर है, मंदिर के दर्शन करवाएंगे। वहाँ काल भैरव का भी मंदिर है, बस ये सबसे बड़ी समस्या है कि दोस्तों कोई भी मंदिर हम अंदर से नहीं दिखा पाते क्योंकि अंदर मोबाइल अलाउ होते नहीं हैं और अंदर से मोबाइल दिखाने में आफत ही हो जाती है। पर हाँ ये है कि आप मंदिर आइए, बड़े ही सुगम दर्शन होते हैं, बाकी तो आपकी जैसी श्रद्धा वैसा दर्शन। यहाँ पे लोग दर्शन करने ही नहीं आते, मस्ती मारने भी आते हैं, तो श्रद्धा के लिए आइए, दर्शन के लिए आइए, बहुत अच्छे दर्शन होंगे, माता आपकी कृपा बनाए रखेंगी, शारदा माता आपके घर परिवार को सबको सुखी रखेंगी। बस मन से आइए दर्शन कीजिए, सब सुगम है। और हम यहाँ से दर्शन कर रहे हैं, अब देखिए ये जो साइड का रास्ता है, इस साइड के रास्ते से मतलब यहाँ से अगर सुसाइड करना चाहो तो डायरेक्ट खाई है इस तरीके से, यहाँ पे मतलब पहाड़ी कटी हुई है। मैं वहाँ से आपको दिखाता हूँ ऊपर का सीन, मैं चढ़ रहा हूँ और ये साइड से सुसाइड पॉइंट मानिए एक तरह से, पर यहाँ लोग नारियल वगैरह फोड़ते हैं। यहाँ से देखिए कितना खुला एरिया पूरा दिखेगा, देख रहे हैं आप, पूरा दूर दूर तक सिर्फ जंगल है। और ये जो पहाड़ी दिख रही बीच में छोटी वाली, मैं इन सब जगह एरिया घूम आया और इधर का ही पूरा जंगल घूम लिया और थोड़ा सा और इस तरफ अभी मोबाइल घूमेगा तो उस तरफ मैं मतलब कल के जंगल में उधर ही था, उधर ही आला देव वगैरह का मंदिर था, तालाब था, इन सब के दर्शन मैं कर ही आया हूँ। अब आइए आपके मंदिर की ओर बढ़ते हैं। काल भैरव बाबा का मंदिर है और ये वाला मंदिर क्या कहते हैं माता देवी का मंदिर है, अंदर तो जाने नहीं दिया, बस मैं यहीं तक आपको दर्शन करवा सकता हूँ। और ये देखिए रात में कैसा देखने में लगता है, मैं माता के मंदिर पर ही हूँ अभी, रात की सिटी देखिए, ओहो क्या सुंदर सिटी है, बहुत ही सुंदर जिसे कहते हैं। और अब हम वापस चल दिए हैं, रात हो चुकी है दोस्तों, और हम आपको अगली वीडियो मिलेंगे और मैं कोशिश करूंगा कि भगवान के दर्शन करवा दें, लेकिन बस यही है कि भगवान के दर्शन बहुत कम हो पाते हैं यार, आपको क्या बताएं।
ये यहाँ पे भोले शंकर का ही मंदिर था एक, क्या कहते हैं, वहाँ से जब अस्थि में आते हुए तो यहाँ पे देखिए भोले शंकर की आरती हो रही है। काफ़ी मतलब पुराना मंदिर है, कम से कम 200-300 साल पुराना मंदिर है, तो इसी कारण हम इसे देखने चले आए। देखिए मंदिर की बनावट, आपको उससे पता लग जाएगा कि मंदिर पुराना है। ये भी मैहर देवी के मंदिर के से जब आप निकल जाएंगे तो कुछ पहले